हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि कल जो मेरा ब्लॉग गया था, जो भी चीज़ें मैंने उसमें आप लोगों के साथ में शेयर की थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। क्योंकि जैसे मैंने उसमें बताया था कि मेरे साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही है, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की थी। और पूरी तरह से तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि मतलब आप बीमार हो या फिर आपके और आपके हस्बैंड का झगड़ा चल रहा है, मतलब या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपको। बहुत सारे मतलब लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट मुझे आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और ना ही मेरे मेरे हस्बैंड का झगड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन है ना, तो मेरे हस्बैंड ही हैं जो पूरी तरह से मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से मेरा मतलब कोई ऐसा वो नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब बता सकती क्लियर, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मुझे ऐसे आए थे और कई तो मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, मतलब जैसे ही लोगों ने वीडियो देखी और मुझे तुरंत मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज किए या मुझे फ़ोन कॉल किया कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या प्रॉब्लम आ गई है, शेयर करो। कई मतलब कमेंट मुझे ऐसे भी आए कि नहीं दीदी, आप यहाँ पर कुछ मत बताइएगा, कुछ मत मतलब शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आप यहाँ कुछ बोलोगे ना, तो लोग आपको बुरा भला भी बोलेंगे, आपकी फैमिली को बुरा भला बोलेंगे। और आज फैमिली में प्रॉब्लम है, कल फैमिली में प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो आज तो क्या मैं कभी भी मतलब नहीं यहाँ पर वो चीज़ें बता सकती कि मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर सिर्फ आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मतलब था कि मैं वो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो मेरे खुद के साथ में हो रही है। मेरी मेरी क्या सिचुएशन है वो मैं आज आपके साथ में मतलब यहाँ पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत आप लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ दीदी आप शेयर करो, बातों को शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। और बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं और किसी से नहीं कह सकते ना, तो हम उन चीज़ों को शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से ना मन हल्का हो जाता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर, हमें पता है हम सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पे हम वो सारी चीज़ें नहीं रख सकते, क्योंकि पर्सनल चीज़ें अगर आज हम यहाँ लेके आएंगे तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी यहाँ पर पर्सनल चीज़ें मैं यहाँ पर रखूँ। जी हाँ, देखिए, सभी के साथ, सभी के फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, मेरे साथ भी इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, और मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों का खुद को जिम्मेदार मानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी अपनी वजह से हो रहा है। मेरी अपनी वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, है ना, जिनको हम बहुत ज़्यादा अहम मान लेते हैं, और बस ये लगता है कि नहीं, अब इनके अलावा कुछ नहीं है, इनके आगे कोई रिश्ता नहीं है, यही हमारे सब कुछ हैं। और वही मेरी गलती थी, मैंने कुछ रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई थी और कुछ रिश्तों को मैंने बहुत ज़्यादा मतलब माना हुआ था, जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे। अभी के टाइम पे क्या है कि ये तो मैं नहीं बता सकती कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ सुनना पड़ा, और वो तब जब खुद मेरी अपनी गलती भी नहीं थी, लेकिन तकलीफ जब भी होती है, जब आप कुछ नहीं भी करो उसके बाद भी आपको इल्ज़ाम दिए जाते हैं, उसके बाद भी आपको मतलब सुनाया जाता है। बात दुख इस चीज़ का नहीं है कि मुझे सुनाया गया या मुझे उन चीज़ों के लिए ब्लेम किया गया, दुख इस बात का है कि वहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी गई, है ना। बिना सुने मुझे इतना कुछ मतलब मुझे सुना दिया गया, रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए, मैं ना पूरी बहुत पूरी रात मतलब सो नहीं पा रही हूँ। मैं इस टाइम पे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ ना, मैं ना खाने का मुझे होश है, ना मैं कहीं, मेरा आने का जाने का मन है,
अभी आप सबको पता है मेरे घर में मतलब शादियां भी फंक्शन शुरू होने वाले हैं। मैंने कुछ भी तैयारियां नहीं की हैं, जो मैं पहले कर चुकी थी वो हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल मैंने कोई तैयारी नहीं की है। क्योंकि मैं जब बंदे का दिमाग ही नहीं ठीक है ना, जब दिमाग का जो मेंटली जो मतलब लेवल जो होता है ना, वो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इस टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट मेरी हेल्थ पे हो रहा है, मेरे बच्चे पे हो रहा है, मेरे हस्बैंड पे हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पे एक वही है जो मेरी कंडीशन को अच्छे से समझ रहे हैं, और मेरी जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, और एक उन्हीं का मेरे मुझे इस टाइम पे सपोर्ट है, जो वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में होते हैं, हर फैमिली में होते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े जब ऐसा रूप ले लेना कि आपके आत्मसम्मान पे वो चीज़ आ जाए, तो फिर बीच में बैठेंगे चार लोग, बात सुनेंगे और बड़े प्यार के साथ में, दुख के साथ में चीज़ों को सुनते हैं। उसके बाद में क्या होता है, चार लोगों के बीच में बैठते हैं, उन लोगों का मजाक बनता है, उन लोगों को बड़ा उन बातों को बढ़ावा मिलता है, जिससे घर में और ज़्यादा कलेश बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस टाइम पे मतलब जिन जो लोग अभी तो फिलहाल सभी गलत समझते हैं, मैं गलत हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है, सोच सकते हैं मैं गलत हूँ या मैं बहुत ही लाउडी हूँ या कुछ भी, आप चीखती चिल्लाती हूँ कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन इंसान चीखता चिल्लाता भी जब है जब चीज़ें उसके ना बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली जाए, जब उसको समझ में नहीं आता, जब उसको उस गलती की सजा दी जाती है जब वो कोई गलती करता ही नहीं है, उस चीज़ों का इल्ज़ाम उन पे लगाया जाता है। कुछ रिश्ते जिनको हम अहम समझते हैं, वो रिश्ते आपके कभी अपने होते ही नहीं है, वो कभी सगे होते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमारी ये थी। फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ से, है ना। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ना सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, कोई भी एक भी एक आधा भी कोई इंसान ऐसा ना हो वहाँ पर जो मुझे सुन सके और मैं उनको सुन सकूँ, है ना। जो मैं इस टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हूँ ना, कि मैंने अपने आप को अपने इस पूरे मतलब इस अपने रूम में बंद कर लिया है। मैं ना किसी से बात करती हूँ इस टाइम पे, ना किसी रिलेटिव से बात करती हूँ, ना किसी फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ, ना किसी फ्रेंड से बात करती हूँ। मैंने बिल्कुल सबसे कट ऑफ इस टाइम पे किया हुआ है। मैं इस टाइम मतलब सिर्फ मेरी दुनिया, मेरा मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, बस मेरे यहाँ तक सीमित होके रह गई है। और फिलहाल मैं अभी अपनी फैमिली में भी, अपने घर में भी फिलहाल मैं किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब अगर इंसान की अहमियत खत्म होने लगे ना, और इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आने लगे, तो इंसान को अकेले रहना सीख लेना चाहिए। क्योंकि अकेले रह के आप अपनी अहमियत को जता सकते हो, अहमियत को उन लोगों को बता सकते हो कि नहीं, हम अकेले रह के भी अपनी जो हमारी अहमियत है वो लोगों के सामने रख सकते हो। और बहुत कुछ लोग बोलते हैं, बहुत कुछ इस टाइम बोला गया है ना, वो एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाऊंगी, ना कभी करूंगी, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं करूंगी। बस वो बातें आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, शायद मेरा दिल हल्का हो जाए, क्योंकि मैं ना घुट रही हूँ बहुत बुरी तरह से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी किसी को ना अपने से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है अपने से ज़्यादा ना किसी को अहमियत नहीं देनी चाहिए, है ना। जब आप किसी को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगते हो ना, तो वो इंसान जब आपके साथ में ऐसा करता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख भी होता है ना उन चीजों का, कि हमने इस इंसान को सबसे ऊपर रखा और आज इस इंसान ने हमारी बिना सुने हमें इतना कुछ कहा, इतना कुछ। दुख इस बात का नहीं है कि सुनाया गया या बोला गया, लेकिन दुख इस बात का है कि गलत बोला गया, बातों को सुना नहीं गया, ब्लेम कर दिया गया, इल्ज़ाम लगा दिए गए बहुत सारे, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे मेरे लिए, और शायद अब आगे शायद बर्दाश्त नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अब एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में हो चुका है ना। अब
इतनी हिम्मत नहीं बची है कि अब उन चीजों को बर्दाश्त किया जाए। तब तक इंसान सही रहता है जब तक वो नहीं बोलता है, और जब वो इंसान उन चीजों का जवाब देने लगता है ना, तो वो इंसान गलत साबित हो जाता है, उसको गलत बना दिया जाता है। अगर वो बातें, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं सुनती रहती हूँ, इतने सारे टॉपिक लगते हैं, इतने सारे टॉपिक, और टोन, जो टोन वाली जो लैंग्वेज होती है, मैं उन चीजों को बर्दाश्त कर जाती हूँ। लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाता है कहीं ना कहीं कि वो चीजें बर्दाश्त से ऊपर चली जाती है, और ना चाहते हुए भी फिर मुझे बोलना पड़ता है ना। और नहीं बोलने का या जवाब नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती, सामने रह के मैं उन चीजों को बोल सकती हूँ, जवाब भी दे सकती हूँ। और जब भी, जब मैं जवाब देती हूँ ना, तो सिर्फ तभी देती हूँ जब मेरा बिल्कुल सब्र जो है ना, वो बिल्कुल मतलब मेरे ऊपर चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आप प्लीज क्या हो रहा है, आप शेयर करो पूरी तरह से। वो चीजें मैं शेयर नहीं कर सकती, प्लीज आप मेरी बात को समझिएगा। और बस मैं अपनी सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि मैं जो इस टाइम बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हूँ, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेरा काम करने को मन नहीं करता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता है, मेरा कहीं आने जाने का दिल नहीं करता है। मैं बिल्कुल इस टाइम अकेली हूँ, अपने आप को बिल्कुल मैंने अकेला किया हुआ है, और किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही हूँ। फिलहाल मेरे जो हस्बैंड हैं इस टाइम, उन्होंने मेरा बहुत मतलब ख्याल रखा हुआ है, वो हर चीज़ में मेरे साथ में खड़े हुए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, और इससे आगे बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम है फैमिली में, चल भी रही हैं, और कब तक चलेंगी ये भी नहीं पता, कब ठीक होंगी ये भी नहीं पता। लेकिन आज हैं, कल प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, तो प्लीज आप समझिएगा मेरी इन बातों को, और मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आगे क्या होगा, जो भी होगा, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर होंगी, सारी चीज़ें आपके ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी, है ना। तो चलिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अंधा विश्वास किसी पे मत कीजिएगा, है ना। विश्वास करें, लेकिन इतना अंधा विश्वास किसी पे मत कीजिएगा, किसी को इतनी अहमियत मत दीजिएगा, ताकि आपको कभी उन चीज़ों को फेस करना पड़े और आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।